मलयालम मूवीज का मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। मैंने कुछ मूवीज जो है मलयालम में, मतलब मलयालम मूवीज को हिंदी डब में देखा हुआ है। मेरे चैनल के ऊपर ही वो आई हुई है रिव्यू, मैंने उनका कर रखा है, तो जाकर पहले वो उनका रिव्यू देख लेना, कुछ एक चिल्लर मुझे मिल जाएंगे। और मलयालम मूवीज के ऊपर मुझे इतना यकीन होता है कि अगर मुझे लगता है कि यार ये वाली मलयालम मूवीज में आई हुई है, मतलब मलयालम मूवी है और हिंदी डब में, तो मैं ऑब्वियसली उसको आंख बंद करके वैसे ही देख लेता हूँ, उसका ट्रेलर नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मूवीज काफी अच्छी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले लेवल क्रॉस मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है, और ये क्या इतनी उम्मीदें जो मैंने इस मूवी से लगाई थी कि मलयालम मूवी है जो बहुत अच्छी होती है, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी मलयालम मूवीज देख रखी है, तो क्या ये उन उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनके ऊपर आएंगे। बट सबसे पहले हम इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। देखो इस मूवी में रघु नाम का एक व्यक्ति है जो रेलवे में गेट कीपर है, या ऐसे कहूं कि वो फाटक, जो रेलवे का जो फाटक होता है उसको खोलता है और बंद करता है, और बिल्कुल एक सुनसान जगह पे वो रह रहा है, एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पर बंदा तो क्या कोई मच्छर तक नहीं आता, कोई चींटी तक शायद वहां पे नहीं होगी, कोई भी वहां पर जाता नहीं, और एक ऐसी सुनसान जगह पर वो गेट को ओपन और बंद करता है, और काफी सालों से वो काम कर रहा है, उसके पास बात करने को कोई नहीं है, इवन समझो उसके पास एक गधा है, बॉलीवुड नहीं एक एक्चुअल गधा है उसके पास बात करने को। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि जब रेल वहां से गुजर रही होती है, जब उसने फाटक को ओपन मतलब बंद किया होता है, तो एक लेडी जो है वो उस ट्रेन से छलांग लगा देती है या उसको कोई धक्का दे देता है। तो एक्चुअल में क्या होता है जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ जाओगे। अब उसको एक लड़की जो मिलती है उसका नाम चिताली होता है, जिस इंसान ने आज तक कितने सालों से किसी से बात नहीं की हो, एक गधे से बात कर रही हो, फिर से बता देता हूँ वो गधा बॉलीवुड नहीं है, एक्चुअल में जानवर है। तो जब वो उसको एक लड़की मिलती है, बात करने के लिए कोई मिलता है, तो उसके एक अलग सी सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। अब चिताली और रघु आपस में एक दूसरे को एक ऐसी सिचुएशन, एक अजीबोगरीब सिचुएशन में पाते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन उनके अंदर ऐसी मतलब सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा समानताएं रखती हैं, ऐसी उनके पास कुछ गुण होते हैं ऐसा समझ लो। तो उन दोनों की जो मुलाकात है वो किस मोड़ पे जाती है, कहां पर कौन से ट्विस्ट आते हैं, दोनों ने अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए होते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब तो तब आपको मिलेंगे जब आप ये मूवी देखोगे। तो ये हो गई मूवी की कहानी। अब देखो आप सोचोगे क्या इतना ही कुछ है मूवी के अंदर, बात करेंगे इसके अंदर अच्छा क्या, अब उसी के ऊपर आने वाले हैं कि इस मूवी के अंदर अच्छा क्या क्या है। जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में वो काफी ज्यादा कमाल के है, मतलब आपको वो रियलिस्टिक चीजें लगेंगी, बहुत एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस आपको फील होगी, चाहे वो मेकअप की बात कर लो, चाहे वो ड्रेसिंग की बात कर लो, बहुत बढ़िया काम किया आसिफ अली जी जिन्होंने रघु का किरदार निभाया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अब मूवी में देखो यार ज्यादातर दो ही लोगों को लेकर कहानी को डेवलप किया गया है, मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है लास्ट तक जाते जाते। अब ये लास्ट तक पहुंचना है तो देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत संयम बरतने की जरूरत है कि कहानी एक बार स्टार्ट हो रही होती है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत पेशेंस बनाइए। जब आप ये मूवी के अंदर आप धीरे धीरे आगे चलेंगे आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आता है। देखो यहाँ पर दो एक चीज आती है हमारे सामने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट, जिनके अंदर थोड़ा बहुत धैर्य कम है शायद उनको ये मूवी शायद पसंद नहीं आ सकती, और जो पेशेंस रखते हैं ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। अब यहाँ पर जो इस मूवी की एंडिंग है, जो क्लाइमेक्स है आप ऐसे समझ लीजिए, वो काफी ज्यादा बढ़िया और इस तरीके का वो बनाया गया कि जो भी दर्शक है, इवन जो मैं ये मूवी देख रहा था तो मेरे मन में भी ऐसा चल रहा था कि यार इसकी एंड में ऐसा होने वाला है, हम सोच रहे थे कि इसकी एंडिंग ऐसे होने वाली है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मेकर्स ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा होगा ऑडियंस को, अरे तुम फालतू मत सोचो, जो हम दिखा रहे हैं बस उस चीज को देखो और एंजॉय करो, और ऐसा ही हुआ है। मतलब दर्शकों ने जो भी सोचा होता है वैसा कुछ नहीं होता, और जो काफी बढ़िया बात है, आप अपने दिमाग से सोच ही ना पाओ कि यार हाँ इसके अंदर ये होने वाला है, उसमें मजा ही कहां है। आपको इंटरेस्टिंग पे, मतलब आपको सरप्राइज पे सरप्राइज मिले, आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिले, तब आपको मजा आता है कि यार यार ये चीज तो सोची नहीं, इसके अंदर ये भी चीज है। तो वो वाली फील जो है आप इसके अंदर महसूस करेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आप इसके क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे, इतने सरप्राइज आपको मिलेंगे, इतने ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेंगे, आप खुद बोल दोगे अरे बाप रे बाप इतने ज्यादा ट्विस्ट कौन डालता है इस मूवी के अंदर। और जब आप ये मूवी देखने बैठोगे तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद आपको जो इंटरेस्ट आएगा, फिर आपके सामने जो ट्विस्ट आएंगे वो आपको इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा क्रिएट कर देंगे, वो काफी एक अच्छी बात है। और मुझे एक और चीज जो इस मूवी की अच्छी लगी, इतने ज्यादा ट्विस्ट होने के बाद में इस मूवी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आते हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते हैं, और इतने ज्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट सरप्राइज पे सरप्राइज होने के बावजूद भी ये मूवी आपको बिल्कुल भी पजल नहीं करती। मतलब इतनी अच्छी कहानी या फिर इतने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया गया, वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, कोई भी आपको पजल फील नहीं होता कि यार ये चीज क्या चल रही थी, कौन किसने क्या कर दिया, ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी से क्लियरली वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। मूवी के जो डायलॉग हैं वो काफी बढ़िया हैं, जो इसके अंदर जो सीनरी या फिर जो विजुअल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो भी इस मूवी के काफी बढ़िया हैं। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें, क्या कोई कमी नहीं है, ऑब्वियसली कमियां हैं इस मूवी के बारे में, और हम बात करते हैं इस मूवी में क्या क्या कमियां हैं।
तो जैसे मैंने कहा, इस मूवी में आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। जिनको जिनके पास धैर्य कम है, संयम नहीं रख पाते, तो शायद ये मूवी आप लोगों को पसंद ना आए, आपको उस टाइम तक वेट ना कर पाओ उसके एंड तक पहुंचते पहुंचते। ऑब्वियसली मूवी जो है वो एंड तक जाते जाते काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं। और मैं मेरी बात करूं तो देखो, मैंने जो उम्मीदें इस मूवी से लगाई थी, या फिर मैं कहूं कि जो मलयालम मूवीज का मेरे अंदर एक इमेज बनी हुई कि काफी ज्यादा बढ़िया होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है, इनके ऊपर मेन फोकस कहानी के ऊपर किया जाता है, परफॉर्मेंस के अंदर बहुत बढ़िया होती है, ऑब्वियसली वो इस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस मूवी में, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर ये मूवी खरी नहीं उतरती है मेरे लिहाज से। शायद किसी को स्लो साइकोलॉजिकल मूवी पसंद आ सकती है, लेकिन मैं हो गया या फिर मेरे तरीके की सोच रखने वाले जो लोग हैं, शायद उनको ये मूवी कम पसंद आ सकती है। मेन जो कमी मुझे इस मूवी को लेकर लगी वो इसकी स्पीड को लगी। मतलब इसके अंदर कुछ कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी जरूरत फील नहीं होती कि यार ये सीन क्यों डाला गया, इसको अगर हटा देते तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि अगर मैंने उनके बारे में बताया तो दो चार जो व्यूज मुझे आते हैं तो वो मुझे गालियां देकर चले जाएंगे। ओवरऑल अगर बात करूं तो हाँ, एक एवरेज सी कहानी के साथ इसकी मूवी में आपको लास्ट के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा संयम रखने की जरूरत है। अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली आप ये मूवी देख सकते हैं। मेरी तरफ से देखो, इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। जो अभी तक एक भी कमेंट नहीं आते, कमेंट सेक्शन हमेशा खाली ही रह जाता है, हर बार बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं आता। और जिन्होंने नहीं देखे तो डेफिनेटली आपको वन टाइम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो, मैंने इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी तो मुझे थोड़ी सी ये एक्सपेक्टेशन में कम लगी। मे भी अगर आप पहली बार मलयालम मूवी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।